YouTube के कुछ पांच ऐसे ट्रिक्स जिससे आपका चैनल ग्रोथ हो सकता है, और आपको बेसिक नीड भी बताऊंगा कि आपको YouTube के लिए क्या क्या बेसिक नीड्स की जरूरत होंगी। तो फ्रेंड्स बने रहे इस वीडियो में, आपको मैं कुछ ऐसे स्टेप्स बताऊंगा जिससे आपके YouTube में हेल्प होगा, जो मुझे भी ज़रूरत थी कभी, तो मैंने भी YouTube से देखा था। तो फ्रेंड्स आज आपको मैं वो बातें बताऊंगा जो YouTube के लिए बेसिक नीड्स की जरूरत होती है। फ्रेंड्स तो बने रहे इस वीडियो में, लेट्स स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फ्रेंड्स सबसे पहले आपको क्या चीज़ की जरूरत होगी तो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको हैशटैग की जरूरत होगी, और आपको टैग्स की जरूरत होगी, और आप अगर आप थंबनेल बनाना चाहते हो, थंबनेल मेट मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, तो आपको थंबनेल की भी जरूरत पड़ेगी। और कुछ सेटिंग्स हैं जो आपको मैं बताऊँगा, वो भी आपकी नीड है, वो भी जरूरत होगी आपको, जिससे आपका चैनल जो होगा ग्रोथ होगा। तो फ्रेंड्स तीन चार ऐसे स्टेप्स हैं जिससे आपका चैनल जो है ग्रोथ करेगा और लोगों के सामने अच्छे से रिप्रेजेंट होगा। तो फ्रेंड्स बने इस वीडियो में, लेट्स स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम आपको हैशटैग बताएंगे कहाँ से आप हैशटैग ढूंढ सकते हो, और टैग्स बताएंगे। तो फ्रेंड्स आपको सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन करना है। तो क्रोम ब्राउज़र हम अपना ओपन कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स हमने क्रोम ब्राउज़र अपना ओपन कर लिया है। क्रोम ब्राउज़र ओपन करने के बाद आपको जहाँ पे सर्च मारना है वहाँ पे आप सर्च मार सकते हो। तो मैं सबसे पहले तो अपना सर्च मारूंगा जो मुझे हैशटैग की जरूरत पड़ती है। तो मैं सबसे पहले अपना बेस्ट हैशटैग जो साइड है, ऑफिशियल जो वेबसाइट है, वो मैं सर्च करूंगा। फ्रेंड्स मैंने सर्च करता हूं मैं। तो फ्रेंड्स मेरा हैशटैग ओपन कर लिए हैं, तो आप देख सकते हैं यहां पे जो बेस्ट हैशटैग है, ये इसकी और जो साइट है वो ऑफिशियल वेबसाइट है, तो आपको इसी में जाना है। बाकी अगर आप अदर वेबसाइट में जाओगे तो मुझे नहीं लगता हैशटैग आपको मिल पाएंगे, मिल सकते हैं लेकिन मैं कह नहीं सकता, क्योंकि ये बेस्ट जो हैशटैग की ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें आपको मिलेगा। फ्रेंड्स मैं इसको क्लिक करता हूं, ये आपके सामने खुल जाएगा, आपको डिस्कवर न्यू हैशटैग, आप कोई सा भी आप हैशटैग जनरेट कर सकते हो। तो फ्रेंड्स देख सकते हो मैंने अपने वीडियो के हिसाब से मैंने जो हैशटैग है वो सर्च कर रखे हैं। तो फ्रेंड्स मैं सबसे पहले तो मैं आपको एक डेमो करके दिखा दूंगा, आईफोन 14 प्रो मैक्स जो हमारा हैशटैग होगा। तो मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ, तो आप देख सकते हो मेरे सामने जो हैशटैग्स हैं वो आ गए। मैं यहाँ पे सीधा कॉपी करके आपको वहाँ पे सीधा जाके पेस्ट कर सकता हूँ मैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने जो हैशटैग्स हैं बहुत सारे हैं आप। और एक और अच्छी बात है इस वेबसाइट में कि आपको जिस रिलेटेड से आपने ये हैशटैग सर्च किया है उसके हिसाब से आपको ये बहुत सारे एडवाइस भी देता है। अब आप देख सकते हो यहाँ पर आईफोन दे रखा है, प्रो दे रखा है, प्रो मैक्स दे रखा है, कितने मतलब लोग वॉच करते हैं हैशटैग्स, कौन कौन सा यूज़ करते हैं, तो आप देख सकते हो उसमें कैटेगरी भी दे रखी है, और आपको न्यू हैशटैग्स भी बता सकता है कि आप ये भी लगा दीजिए, ये भी लगा दीजिए। ये जो आपके लिए बेस्ट हैशटैग होगा वो आपको ये जनरेट करके भी दे देगा। तो फ्रेंड्स आपको हैशटैग्स की जो मैंने जानकारी बताई वो इस वेबसाइट से आप अपना यूज कर सकते हो। फ्रेंड्स अब हम जाते हैं दूसरी वेबसाइट में जो आपको टैग्स की जरूरत होगी। जो लोग सर्च करते हैं सर्च इंजन में टैग्स, मान लो जैसे आप मैरिज कपल हो गया, न्यू गेमर हो गया, जो टैग्स होते हैं जो लोग सर्च करते हैं वहाँ पर टैग्स करके लिख के, तो मैं आपको वो भी करना दिखाता हूँ आपको कहाँ से आप ले सकते हो। तो फ्रेंड्स मैं आपको दिखाता हूँ, जो देख सकते हो आप यहाँ पे टैग्स यूट्यूब लिख रखा है, तो आपको यहाँ पर टैग्स यूट्यूब में क्लिक करना है। इसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे फ्री यूट्यूब टैग्स जनरेट, ठीक है, तो आपको इसमें क्लिक करना है। इसमें क्लिक करने के बाद आपको क्या होगा, ये जो हमारी साइड है वो खुलेगी। वो खुलने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे एंटर योर वीडियो टाइटल ऑफ हार, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, आपने टैक्स टाइप करना है कि आपको किस चीज़ में टैक्स चाहिए। तो मैं आपको यहाँ पे लिख के डेमो लिख के दिखा देता हूँ मुझे क्या चाहिए। वीडियोग्राफी में जो है टैक्स चाहिए, कि लोग सर्च करते हैं जैसे वीडियोग्राफी एडिटिंग, वीडियोग्राफी वीडियोज एडिटिंग ट्यूटोरियल जो भी है, ऐसे टैक्स करके जनरेट करके हमें दे देगा। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, और यहाँ पे मैं आई एम रूटेड का जो है वेरिफिकेशन आपको कर देना है, इसके बाद आपको टैक्स जनरेट कर देना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स टैक्स हमारे जनरेट हो रहे हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे जो टैक्स है हमारे वो जनरेटेड हो गए हैं, कि जो लोग सर्च करते हैं क्या करते हैं, वीडियोग्राफी टिप्स हो गया, वीडियोग्राफी 101 हो गया, वीडियोग्राफर हो गया, वीडियोग्राफी हो गया, वीडियो ट्यूटोरियल हो गया, वीडियो मार्केटिंग हो गया, मार्केट जो भी टैक्स है जो लोग सर्च करते हैं वो आपको सब जनरेट करके दे देगा। आपको जोन जोन से भी टैक्स लगाने हो आप लगा सकते हो, यहाँ पे आप कॉपी कर दोगे ये कॉपी हो जाएगा, आप वहाँ पे जाकर अपना पेस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपको टैक्स की मैंने बेसिक जानकारी बता दी है कि आप टैक्स कहाँ से ले सकते हो, आपको कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं है, आपको सब इसी वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि आपको क्या क्या चीज़ की नीड होगी जो जरूरत है। कोई अलग से वीडियो नहीं बना रहा, मैं प्रॉपर एक छोटी सी वीडियो बना रहा हूँ जो आपको दिख जाएगा।
फ्रेंड्स ये हमारे बेसिक यूनिट्स हैं, अब इसको मैं हटा देता हूँ। अब आपको मैं बताऊँगा थंबनेल कैसे बनाते हैं। तो थंबनेल होता है वो क्या होता है, हमारा फर्स्ट इंप्रेशन होता है कि अगर आपको जो वीडियो का जो पीपल है जो वीडियो देख रहा है तो वो आपके थंबनेल से जज कर लेगा कि आप किस चीज़ पे वीडियो बनाए हो, और आपके थंबनेल से वो उस वीडियो पे क्लिक करेगा। तो फ्रेंड्स थंबनेल से हो जाता है मोस्ट इंपॉर्टेंट था फॉर यूट्यूब वीडियो के लिए। तो आपको मैं थंबनेल बता देता हूँ, मैं दो ऐप से बनाता हूँ थंबनेल। तो फर्स्ट ऐप जो होता है मेरा वो कनवा ऐप होता है, और दूसरा ऐप जो होता है वो हमारा अनलिमिटेड थंबनेल मेकर होता है। तो फ्रेंड्स मैं दोनों ऐप को यूज़ करता हूँ, मालिक आपको मैं सबसे ईजी ऐप बताऊँगा जिससे आप थंबनेल बहुत ईजी स्टेप्स में बता सकते हो। तो फ्रेंड्स अनलिमिटेड थंबनेल जो ऐप है वो हमें ओपन करते हैं, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अब जो भी मैंने वेबसाइट बताई है आपको और जो भी मैंने ऐप्स बताए वो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है फ्रेंड्स। तो अब आप देख सकते हो यहाँ पे कैटेगरी दे रखी है कि आपको जिस चीज़ में थंबनेल बना सकते हो वो आपको उसको आपको थोड़ा सा दिखा देगा कि आपको जिस चीज़ में बनाना है तो आपका वो ऑप्शन दिखा सकता है, दिखाएगा आपको। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो यहाँ फन म्यूजिक गेम फूड हेल्थ सेक्टर सब कुछ है आपका, आपको जो चीज़ में आप जाना चाहते हो, जो आप गेम का चैनल है आपका, ब्लॉग्स का चैनल है, म्यूजिक का चैनल है, फन का चैनल है, एंटरटेनमेंट चैनल है, सब है इसमें सब। तो फ्रेंड्स देख सकते हो आप म्यूजिक के लिए भी चैनल देखा। और आपको मेन चीज़ बताना चाहूँगा जो VIP दे रखा है, जो VIP जो थंबनेल है वो भी आप यूज़ कर सकते हो फ्रेंड्स। ये मुझे बहुत अच्छी लगी इस ऐप की बात, जो आपके VIP थंबनेल है वो भी हम यूज़ कर सकते हैं, जो काफ़ी अट्रैक्टिव लगते हैं देखने में फ्रेंड्स। तो आप यहाँ से थंबनेल बहुत ईजी स्टेप्स में बना सकते हो, ठीक है। तो आप डेमो के लिए अगर आपको मैं दिखाना चाहूँ तो आप देख सकते हो, ये मैं एक डेमो के लिए ले लेता हूँ, जैसे मान लो आप डेमो के लिए ले सकता हूँ। अब आपको मान लो इसको रिमूव करके अपनी फोटो पिक्चर लगानी तो आप लगा सकते हो यहाँ पे, रिमूव करने के बाद यहाँ पे इमेज में क्लिक करने के बाद आप यहाँ से अपनी फोटो लेकर निकाल सकते हो। मैं वीडियो लॉन्ग हो जाएगी तो आप दिखा नहीं रहा हूँ, तो वीडियो को मैं हटाते हैं। और फ्रेंड्स ये हो गया हमारा तीसरी जो बेस्ट चीज़ है मैंने थंबनेल बनाना सिखाया। मैं आपको मैं चौथा स्टेप बताता हूँ कि चौथा स्टेप्स में आपको मैं क्या करना है। तो फ्रेंड्स आपने आप यूट्यूब स्टूडियो में चले जाइएगा, यूट्यूब स्टूडियो में जाने के बाद अब आपको क्या करना है कि जब भी आप अपनी वीडियो जो अपलोड करते हो वो जो दो सेटिंग होती हैं वो कई लोग भूल भी जाते हैं, कई लोग वो सेटिंग को ज़्यादा ध्यान नहीं देते। तो फ्रेंड्स आपको क्या करना है, देख सकते हो मैंने वहीं से ये थंबनेल बना रखे हैं। तो मैं इसको सबसे पहले मैं अपना ब्लॉग में क्लिक करता हूँ, ब्लॉग में क्लिक करने के बाद आपको मैं यहाँ पे जाऊँगा, सॉरी मैंने गलत चीज़ पे क्लिक कर दिया। बस मैं अब यहाँ पे जाऊँगा इस पेंसिल वाले आइकन में क्लिक करने के बाद, अब आप देख सकते हो यहाँ पे इस जगह पे जाने के बाद आपको क्या होता है, कोई लोग भी ये पहली वाली जो ऑप्शन है यस इस एडवर्टाइज में क्लिक कर देते हैं तो आपकी जो वीडियो है वो क्या होता है कि सिर्फ बच्चों के पास जाती है, जिसकी जो एज है वो 18 से कम होगी वो उस तक ये वीडियो जाएगी, बाकी जो 18 प्लस हो गया उस तक ये वीडियो पहुँचेगी नहीं। तो आपको क्या करना है, इस जो दो वेरिफिकेशन स्टेप्स हैं आपको करना है, जो सिलेक्ट करने का ऑप्शन आता है तो आपको क्या करना है कि जो आप बताना चाहोगे कि वीडियो जो बच्चों के लिए है या एडल्ट भी देख सकते हैं इसमें, तो आपको क्या करना है नो इट्स मोट मेड फॉर किड। तो क्या है ये ऑप्शन जो है हमारा क्या है कि जो आप वीडियो बना रहे हो वो ना बच्चों के लिए और ये बड़ों के लिए, मतलब जो मेरी वीडियो है वो कोई भी देख सकता है, जरूरी नहीं है कि सिर्फ बच्चों के लिए मैंने वीडियो बनाया, आप कोई भी देख सकता है। तो आपको क्या करना है, जब भी अगर आप वीडियो अपलोड करें तो जो नीचे वाला जो ऑप्शन है नॉट इट्स मेड फॉर किड, इस पे ही आपको ऑप्शन क्लिक करके रखना है। और दूसरा जो हमारा एज रिकॉर्डिंग आता है कि जो हमारी जो वीडियो है वो किस तक पहुँचे, तो आपको क्या करना है जो हमारा ऑप्शन होता है पहले सेलेक्ट होता है, इसमें कोई डिफॉल्ट करने की जरूरत नहीं है, ये हमारा वैसा ऑप्शन पहले में सेलेक्ट होता है। तो देख सकते हो डिड नॉट रिकॉर्ड माय वीडियो इज व्यूअर ओवर 18, तो मतलब जो हमारी जो वीडियो है वो 18 प्लस के भी जो मतलब व्यूवर्स हैं उसके तक ही हमारी वीडियो पहुंचे, और 18 से जो नीचे है उनके तक भी हमारी ये वीडियो पहुंचे, मतलब जो वीडियो हमारी वो सब चीज़ के लिए बनी है, मतलब जो भी पीपल है जो 18 प्लस भी है और 18 से जो कम है वो सब कोई देख सकता है फ्रेंड्स। तो ये जो हमारी कुछ बेसिक नीड्स हैं तो मैंने आपको बता दिए, तो आप इस जो स्टेप्स हैं जो मैंने जितने बताए हैं वो आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा, जिससे जो आपकी वीडियो की जो ग्रोथ होगी वो काफ़ी इम्प्रूव होगी। तो फ्रेंड्स मेरा भी यूट्यूब चैनल है जो मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि मुझे क्या क्या चीज़ की नीड की जरूरत पड़ी है, तो मैं आपको इसी एक वीडियो बना सकता हूँ। तो आप देख सकते हो फ्रेंड्स मैं इतना सारा लिखा नहीं है मैंने, देख सकते हो फ्रेंड्स मैंने ये सब कॉपी किया हुआ है वहाँ से हैशटैग जनरेट से,
तो आप वहीं से भी आप अपना जनरेट कर सकते हो। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अगर अच्छी भी ना लगी हो तो मुझे बताइएगा कि इसमें कमी क्या चीज़ थी, मैं अपना इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। तो फ्रेंड्स थैंक यू सो मच वॉच माई चैनल फ्रेंड्स। तो इसी तरह मैं आपको वीडियो बनाना सिखाता रहूँगा और आपको मैं अलग अलग चीज़ें की एडवाइस दूंगा जरूर। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो लाइक लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड सब्सक्राइब करके ही जाना और लाइक ज़रूर कीजिएगा। फ्रेंड्स बाय बाय, फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।